Hey friends, this is me and welcome back to my channel Anurupa's Cooking Style and Food Blog. तो आज तो जानते हैं क्या है, तो स्पेशली मैं आज स्वीट डिजर्ट बना रही हूँ। तो स्वीट डिजर्ट आप भी बनाते हैं और खूब से खाते हैं, घर में बहुत टेस्ट भी होता है। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय कीजिए वो स्वीट डिजर्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इनका ही रेसिपी है स्वीट डिजर्ट की, उनका ख्वाहिश था खाने के लिए और आज एक अदिश भी है तो ये फर्स्ट करते हैं, तो इसलिए तो स्वीट डिजर्ट तो बनता ही है। तो मैं कैरोट्स, फ्रेश कैरोट्स एंड मिल्क रेडी कर लिया है, मैंने नहीं इन्होंने रेडी किया है, इनका डिजर्ट है ना तो इन्होंने रेडी कर लिया है। अभी मुझे सिर्फ ग्रीट करना है और बनाना है, मेरा काम आसान कर दिया है। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए हम लोग के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी। प्लीज वॉच इट एंड लाइक इट फ्रेंड। फ्रेश कैरोट, इसका छिलका मैंने छील लिया है तो अभी फ्रेश है, और इधर मैं इसको अभी ग्रीट पे लगा दूंगी, थोड़ा बहुत कर लिया। ऐसे आप लोगों को ग्रीट कर रहा, आप लोग तो जानते ही हैं गाजर का हलवा बहुत ही लजीज डिजर्ट है, सभी खाते हैं, सबको आता है बनाना। तो आज हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो मैंने कैरोट एंड शुगर दोनों मिक्स करके बॉयल के लिए दे दूंगी अभी, तो थोड़ा टाइम बॉयल होने के बाद मैं इसको ऑफ कर दूंगी। तो मैंने फर्स्ट कैरोट को ग्रीट कर लिया था, तो ग्रीट करने के बाद मैंने इसको शुगर एंड मिल्क के साथ, थोड़ा मिल्क भी मैं डाल रही हूँ, मिल्क के साथ इसको बॉयल होने दूंगी। तभी मैं बटर डाल रही हूँ, तो मेरा कैरोट पूरा बॉईल हो चुका है, अभी मैं बटर में फ्राई करूंगी। एक सड़ा आटा तुम्हें इधर भी पूरा दूध के अंदर पूरा पकेगा, इधर मैं और दूध ऐड करूंगी। तो मैं ढक्कन लगा के थोड़ा टाइम रखूंगी, तो मैं देखती हूँ कितना पका है ये। तो अभी मैं इधर और थोड़ा दूध ऐड कर दूंगी। मिल्क जब तक सूखेगा नहीं तब तक इसको पूरा होने देना है। फ्लेम में थोड़ा हाई कर रही हूँ अभी, और फिर से ढक्कन लगा दूंगी। तो अभी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है, इसका पूरा मिल्क भी पूरा थोड़ा बहुत सूख गया है और थोड़ा बाकी है। ये मिल्क सूखने के बाद पूरा चिपक जाएगा,
ये अभी अलग अलग लग रहा है, मैं चिपक जब सूख जाएगा तो ये पूरा चिपक जाएगा और क्रीमिनेस आ जाएगा इसमें। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी रोजेस और कैश्यू नट। पानी इसका मिल्क जो है, पानी बोल रही हूँ, इसका मिल्क जो है पूरा सूख चुका है और थोड़ा बाकी है और थोड़ा टाइम बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो और थोड़ा टाइम हम वेट कर लेता है। तो ये पूरा सूख गया है और थोड़ा बटर में यूज कर दिया है। पहले देने से ये सब मिल्क के साथ मिलके मतलब उसका ग्लेज नहीं आता है। जब मिल्क पूरा सूख जाता है सूखने के बाद देने से हलवे में जो चकाचकपन आता है, ग्लेज जो आता है, अच्छा लगता है। देखिए इतना टाइम उसका ग्लेज नहीं था, अभी पूरा ये ग्लेज आ गया और सॉफ्ट हो गया है पूरा, और सॉफ्ट हो जाएगा। ये इतना सॉफ्ट होगा कि हम इसको लड्डू का भी शेप दे सकता है, हलवे की लड्डू। किसी दिन ये हलवे का लड्डू भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हलवे को पूरा सुखा के इसका लड्डू शेक करके वो फ्रिज में रख के 2-3 दिन बाद खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा हार्ड हो जाता है, लेकिन उसको जब लड्डू का शेप आएगा उसमें हम शुगर नहीं, उसमें हम जगरी यूज करते हैं, क्योंकि जगरी में जो आठापन है जो लग जाता है उसको लड्डू का शेप ज्यादा अच्छा आता है। तो किसी दिन दूसरे डिजर्ट से ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये पूरा हो चुका है, मैं इसको और थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ये पूरा किट देने से मैंने मतलब पूरा फ्लेम में दिया है और पूरा फ्लेम में ही मैं इसको चलाते जाऊंगी। अभी हाथ नहीं रुकना है, अभी पूरा चलाते जाना है। तो देखिए इसका जो मिल्क था पूरा सूख गया है, पूरा अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुका है। इसका टेक्सचर देखिए, अभी मैं प्लेट में इसको सर्व कर लूंगी और थोड़ा ऊपर से हलवे के ऊपर मैं थोड़ा रेंस और केशियों का गार्निश कर दूंगी। अभी मैं प्लेटिंग कर लिया है, अभी मैं गार्निशिंग करूंगी। केशु मैंने डाल दिया है, अभी मैं पीस किया और रेसिल डाल दूंगी।
ये बाइट के टाइम जब आप स्पून से बाइट लोगे हलवे का, ये मुंह में आएगा, बहुत टेस्ट लगता है। तो डन, तो माई हलवा इज रेडी फॉर माई डियरेस्ट हस्बैंड। एक बार आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। ऐसे करके आप लड्डू का शेप देके फ्रिज में कोल्ड होने तक रख देने से, एक डेढ़ घंटा दो घंटा रख देने से बहुत टेस्टी यम्मी लगता है हलवे का लड्डू।